पटेल क्या कर रहे हो? बस ठीक से चलाओ। मैं क्या कर सकता हूँ सर, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अब तक सड़क नहीं पहुँची है। पटेल गड्ढे बचा के बस चलाओ। सर या रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये भैंस कहाँ से बीच में आ गई? अरे पटेल अंकल, फार्म की ट्रिप करने जाएंगे तो गाय भैंस ही बीच में आएंगी ना। पटेल अंकल थोड़ा हॉर्न बजाओ, वो हट जाएगी। थोड़ा क्यों, पूरा हॉर्न बजाओ। सर ये भैंस तो बस के आगे आगे चल रही है, साइड ही नहीं दे रही। भैंस दूध देती है लेकिन साइड नहीं देती। लगता है ये भैंस इस गांव की टूर गाइड है। रुक जा पटेल, रुक रुक, जहाँ हमें जाना है वो जगह आ गई। इनके ही खेत में हमें जाना है। पार्टनर देखना पेड़ों पे कितने आम लगे हैं। अरे मुझे क्या पता कितने लगे हैं। लगता है यही तुड़वाने के लिए राठी सर हमें फार्म की ट्रिप पे लाए हैं। ये भैंस तो एकदम जीवा जैसी ही है। जहाँ फोकट का खाना दिखा वहीं मुंह मार लिया। मायरा देखो ना, किसी ने जमीन पर शार लगा दिया है। How stupid! और वो भी ऐसा शार जो घूम घूम कर चलता है। अरे ये शावर नहीं, स्प्रिंकलर है जो खेतों में उगने वाली फसल को पानी देता है। ये देखो, इस मशीन में सूखी फसल डालने पर एक ओर से भूसा और दूसरी ओर से चावल, गेहूं, बाजरे जैसा अनाज निकलता है। अरे वाह, एक साथ इतने ताले अनाज निकलते हैं? अरे मेरा मतलब कि जिस अनाज की सूखी फसल डालो वो अनाज निकलता है। अच्छा, इधर हम भी कोशिश करके देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू अंकल। तो तुम सब इनकी मदद करो, मैं खेत का चक्कर लगा के आता हूँ। अंकल आप नीचे उतरिए, अब हम काम करेंगे, आप आराम कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। पार्टनर, गांव में आम बड़े खास होते हैं। हाँ, फ्रेश भी और फ्री भी। बस अब हो गई पेट पूजा, चल अब काम करते हैं कोई दूजा। इतने अच्छे आम खाने के बाद काम करने का आइडिया बड़ा बोरिंग है यार। तो चल फिर सो जाते हैं। पार्टनर वो देख, जीवा तो किसान बन गया है। हाँ यार चल देखते हैं। अरे जीवा, फसल को जल्दी जल्दी मशीन में डालना। अरे लेकिन जितनी फसल मेरे हाथ में आएगी उतनी ही तो डालूंगा ना। इसलिए तो हम आए हैं, अब दो की जगह चार हाथ काम करेंगे। चार हाथ? पर मेरे पास तो दो ही हाथ हैं। अरे हम दोनों के मिलकर हो गए ना चार हाथ। चल तू नीचे उतर, हम काम करते हैं। अरे ये क्या हो गया? लगता है मशीन खराब हो गई। ये था बोतल बदली के वजह से हुआ, इन्होंने एक साथ इतनी फसल डाली और इसलिए मशीन बंद पड़ गई। अरे बंद पड़ गई तो क्या हुआ, हम इसे भी चालू करते हैं। क्यों दोस्त?
हूँ। मैं लाठी दल को जाके बताता हूँ कि तुम लोगों ने मतीन कलाब की। अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ चल चल कुछ करते हैं। मेरे मुंह पे भूता उलाते हो? अरे दोस्त भाग। कहाँ गायब हो गए ये दोनों? मुझे दलाते हो? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे क्या हुआ जीवा? आजा हमें पकड़। बद्री कीचड़ में कमल का फूल खिल गया। अरे वो कमल का फूल नहीं, कमाल का फूल है। वो देख, लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अरे वो हमें डराने के लिए नहीं, पंछियों को डराने के लिए है, ताकि वो फसल ना खाएं। बिजू का बोलते हैं इसको। अच्छा तो हम डरा सकते हैं पंछियों को। हाँ और इसी बहाने हम भी कुछ काम कर लेंगे। हम स्कूल में मुर्गे बनते हैं और अब यहाँ खेत में बिजू के। रुको वे, डर जाओ हमसे। जरूर तुमने बहुत झूठ बोला होगा। मतलब वो कहते हैं ना, झूठ बोले कौआ काटे। अरे भाग यहाँ से, मुझे टकला बनाएगा क्या? मर गए तो हमारे पीछे लग गई है कौओं की फौज। हाँ अब नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे मौज। अरे अब भैंस से हमें कौन बचाएगा? ये पहेली बुझाने का टाइम नहीं, भागने का टाइम है। चल भाग। बचाओ। बचाओ। इस भैंस से हमें बचाओ। मदर बादरी के पीछे भैंस। इतना तो हम स्कूल मैराथन में भी नहीं दौड़े जितना कि यहाँ दौड़ रहे हैं। अब इस भैंस से बहस कौन करेगा? चल भाग। बाबा रे बाबा, इस भैंस ने तो फिर से हंगामा खड़ा कर डाला। अरे ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? सॉरी अंकल, ये सब इस भैंस की वजह से हुआ है। हाँ अंकल, हमने कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया, ये सब तुमने ही किया है, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। ये कमाल तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। कमाल? हाँ तुम दोनों ने इस भैंस को खेत में दौड़ा दौड़ा कर मेरा खेत जोत दिया। लेकिन हम भैंस को नहीं बल्कि भैंस हमें दौड़ा रही थी। सर कितने प्यारे बच्चे हैं, मन से भी एकदम सच्चे हैं। अरे आखिर बच्चे किसके हैं?
किसके हैं सर? अरे हमारे और किसके, अपना स्कूल के बच्चे हैं और अपना स्कूल के प्रिंसिपल हैं हम। <laughs> <laughs>